की जानकारी नहीं। चौटाला साहब ईमानदारी से काम करना चाहिए और जो लोग वहाँ गए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है ईमानदारी से करो। देश में वैसी जगह जगह धरना होने लग रहा हो, कभी कोई से नेता के लिए, कभी कोई सी टीम के लिए, कभी कैसे के लिए, तो आप ऐसे ऐसे काम ना करें, कृपया करके सहयोग करें। अभी जो कुछ भी विधायकों ने इस्तीफा भी दिया है अभय चौटाला, तो क्या लगता है आपको? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को खतरा है गठबंधन। सुन लीजिए मेरी बात, देखो जो हमें किसानों को प्यार करे, ठीक, जो हमें अपना समझता है अन्नदाता को, और यू कृषि प्रधान देश है यू समझता, वही तो कुर्सी के छोड़ छोड़ का लग रहे, और जो कुर्सी को अपना समझे, ऐसे ऐसे उद्योगपति इनको अपना समझे, वे कहे को अन्न लग रहे छोड़ गए। कह दी भैया आ रही हूँ। हाँ, वे काहे को आन लग रहे छोड़ के, वे तो कुर्सी की बाट में बैठे, आधे मुंह तो ऐसे हैं जो खुलना चाह रहे बेचारे, मजबूरी में खुलना रहे। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा चुनाव का, जो किसान आंदोलन को लेकर? तुम देखते रहो क्या फर्क पड़ेगा, देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोग भी और ये लोग भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और तुम भी मारे गैल बने रही हो इतना, और आज ये भाई मेरे इधर को भी, और देखे किस तरीके से चुनाव होता है इनको मेरे राज्य पंजाब में। कुछ करारी आ रही है तो उन्हों कुछ लोगों का मानना है भाई पहले से ही मतलब मत नहीं मिला बीजेपी को, क्या ये सच है? देखो पंजाब में जो पहले मुझे बताऊं आपको, इस पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन अब और भी तो चुनाव आ रहे, पंजाब ने कई उठा रहे भाई चुनाव, तो और भी आ रहे, बंगाल में भी आने लग रहे, उत्तर प्रदेश में भी आने लग रहे, पूरे देश में चुनाव आवेगा 24 तक, और देखते रहिए माहौल कैसा रहेगा। तो अब कह रहे ईवीएम में कुछ गड़बड़ कर देते हैं फिर, तो ईवीएम में अब की बार भी तो कर सकते। सुन लो मेरी बात, ईवीएम की वोट देखे, मैं जो अगर मेरी वोट डलेगी तो मुझे वोट ना डालना मंजूर है, मैं ना डालू ईवीएम सू। अच्छा। और बताओ, ना डालना वोट मंजूर है, ठीक, मैं पर वोट ना डालू ईवीएम सू। तो किससे जाते हैं मतलब, इससे चुनाव होने चाहिए बैलेट पेपर जैसे पहले हो रहे, जैसे पहले हो रहे, पहले सरकार ना बनाई, पहले भी तो एक ईवीएम तो जापान कई, वहाँ जापान में चुनाव नहीं होता भैया ईवीएम सो, और अमेरिका में नहीं होता, और हमें यू ईवीएम दिखा रहे हैं ये है बाबा, अमेरिका में होगा चुनाव ना होता ईवीएम, ईवीएम बेईमानी, कंप्यूटर बेईमानी, कंप्यूटर मशीन कहाँ बेईमान कर देगा, मशीन में तो बेईमानी है, हैक ना हो जाते मशीन में, तो ऐसी बेईमानी है, बता में हमारे यहाँ बता में दू दिया कि 105 किलो तोलना, उन्होंने 100 किलो को 105 किलो तोलना है, हर लीटर में तो कम कर ले कंप्यूटर, कंप्यूटर सौदा ये सो है, बेईमानी है। जब वोट ना, अगर जो ना हुई ना ईवीएम बंद, जहाँ जहाँ या को रिकॉर्ड भी है, जहाँ जहाँ ठप्पे लग रहे हैं, हमने कहा चुनाव पंजाब में हुआ है, ठप्पो लगे हुए, निखालस हार है, सूपड़ाई साफ है, और ये लड़ाई ये किसानन की थोड़ी है, ये लड़ाई किसानन की ना है, ये लड़ाई देश की है, ये लड़ाई राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की है, ये सरकारें निजीकरण में देना चाह रही हैं, और हम चाहते हैं कि निजीकरण पे एक बात आई थी अभी जो कह रहे थे जवाब कि भाई निजीकरण ठीक हो रहा है, क्योंकि कुछ कर्मचारी ले अगर 80-80 हज़ार तनख्वाह वे, अभी जो है निजीकरण करने से फायदा होगा कि कुछ लोगों को रोजगार दे दे उनको, कम तनख्वाह कर, क्योंकि काम तो ये बाकी जो नहीं फिर रहे इनका क्या होगा? मैं बताऊं ना भैया, तो है ये जो कह रहे हैं, ये कहें इनके जो सरकार के समर्थक हैं कि सरकारी काम नहीं करना चाहता है ना, सरकारी काम नहीं करना, ना काम नहीं करना चाहता, घाटे में जा रहा है विभाग, और हमारा कहना है कि हमने तुम कालियां चुने, हमने सरकार कालियां चुनी, काम करवाओ ना, लेकिन इनका मकसद है निजीकरण, निजीकरण मतलब है मेरो, जब सब सौदाई मेरो है जाएगो तो पता है क्या करूँगा मैं, 12 घंटा ड्यूटी लंगो 18, अब भी नहीं है, दो ही तो हैं, कुछ जो नसीब वाले उन्हें भारत सरकार की नौकरी मिल गई है, कुछ अब भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, क्या हाल है उनका? हमारा जो देश का सिपाही है, जो भारतवर्ष का है, जिस पर वर्दी भारतवर्ष की है, उसे 40,000-50,000 तनख्वाह मिल रही है ड्यूटी 8 घंटे, और जो निजी क्या करें, वो है क्या नाम सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी तो वर्दी पहन रखी है उसने, हैं वो 12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, रुपये मिल रहे हैं 10,000, यही तो हमारी लड़ाई है कि ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं देश को, है नहीं, सारे विभाग हर देश को ये 4 लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं, ऐसे तो पहले भी था उन जिम्मेदारों के पास, उन राजाओं के पास, उनसे ही तो हमने भारत का किया, भारतवर्ष में ही तो पहले हुए सब राजघराने, किले सब भारत सरकार के ही तो है, और ये सरकारें ऐसी आई हैं कि ये हमारे सब सौदा इन्हें ये वो बेचने पे तुली भाई हैं, यही हमारी लड़ाई है। जो टेंशन है ना इनकी, विपक्ष नहीं है बीजेपी वालों का, जो टेंशन है कांग्रेस या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सपा बसपा, ये नहीं है टेंशन इनकी, जो यू टेंशन है यू असली यू है कि जागरूकता हो गई देश में, युवा जाग रहा, देश जाग रहा, यू टेंशन है, जो ये अपने चमचे बनाने लगने की तैयारी कर रहे हैं, वे चमचे ना बने, उन्हें समझ में आ गई असली टेंशन मरज इनके यू है।
बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन है ये कि अभी देश का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए? देश मैंने बताया नहीं, देश उसके हाथ में जाना चाहिए जो राष्ट्रीयकरण करे, जो राष्ट्रीयकरण करे, हर विभाग राष्ट्र का हो, हर कंपनी भारत सरकार की हो, हर विभाग रेलवे भारत सरकार का हो, जहाज भारत सरकार का हो, सड़कें भारत सरकार की हो, और ये कर रहे हैं सब है प्राइवेट, इसके खिलाफ देंगे वोट। जो राष्ट्रीयकरण करेगा, जो देश को महानता दिखाएगा, देश के लिए समर्पित होगा, वही देश में राज करेगा। ये नु पूछ है 70 साल में उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, अड़ोसी पड़ोसी ने क्या करा, यू करा वो करो। अरे वो करा जिन्हें तुम बेचन लग रहे हो, जिन्हें तुम प्राइवेट सेक्टर में करने लग रहे हो, वो कर रहा 70 साल से देश में। ये भी हमने बता दी है, 70 साल के हमने क्या किया है। और मेरा कहना है देशवासियों, देश की तरक्की तो उसके नागरिकों से है, देश की जनता से है, राजा तो राज करे करें, असली करने वाले तो हम देश के नागरिक हैं, हम ही तो ऊपर को करेंगे। अरे जिस घर का मैं हूँ, अपने घर का बुड्ढा हूँ, मैं क्या करूँगा भाई, अब करेंगे तो मेरी औलाद। और मैंने भी देखा है कुछ मुखिया और बाप ऐसे होते हैं, एक बेटे को करेंगे, एक को देंगे, यही कर रहे हैं ये मोदी जी, पूरे देश को एक के हाथों में दे रहे हैं। जो हम ये मैं हमारा कहना है कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है, हम इसे गुलामी की तरफ नहीं जाने देंगे, यही हमारा आंदोलन है, यही आपका लक्ष्य है, यही अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य हमारा यही है। जी जी।